Hello everyone, welcome all of you in my YouTube channel. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel for new and latest video. Now, today we will learn about hygiene. Hygiene matlab swachhata. Besides eating healthy food, it is important to maintain cleanliness. Hame healthy food ke saath saath khud ki swachhata bhi bahut zaruri hoti hai. We should wear clean cloth. Take bath daily. Brush teeth 2 times in a day. And trim our nail. इसका मतलब हमें स्वच्छ कपड़े पहनना है, डेली स्नान करना है, दिन में 2 times ब्रश करना होता है। इससे हमारे दांत के प्रॉब्लम दूर होते हैं और सप्ताह में 1 बार हमारे नेल कट करना जरूरी है। अगर नेल कट नहीं करते तो हमारे पेट में हाथ की गंदगी जाकर हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद आता है रेस्ट। हेल्दी लाइफ जीने के लिए बैलेंस्ड डाइट और रेस्ट बहुत जरूरी होता है। रेस्ट करने से हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, इसलिए हमें रोजाना 8 से 10 घंटा आराम की बहुत जरूरी होती है। थर्ड नंबर, पोस्चर। वी शुड सिट एंड स्टैंड करेक्ट पोजीशन। इनकरेक्ट पोस्चर कैन बी लीड बॉडी पेन, एग्जाम्पल बैक पेन एंड नेक पेन आदि जैसे बीमारी बढ़ सकते हैं। गलत तरीके का बैठना, उठना और चलना हमारे बॉडी में प्रॉब्लम बन सकता है। हमें रीडिंग के समय उचित अंतर रखना पड़ता है। व्हाइल रीडिंग वी शुड प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड बुक्स। लुक एट दिस पिक्चर, विच पिक्चर इज राइट एंड विच पिक्चर इज रॉन्ग। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी। व्हेन वी एक्सरसाइज द हार्ट बीट एट फास्टर रेट, मोर ऑक्सीजन इज टेक इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट। व्यायाम हमारे हेल्दी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। बैलेंस्ड डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज, यह तीनों हमारे हेल्दी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हम हेल्दी लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो के अंदर कोई आपको डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व बिल्कुल करूँगा।